और करीबन 50 साल पुराना घर है ब्रैम्पटन में। व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में चलेंगे 3 करोड़ के घर का टूर करने के लिए। धीरे धीरे सारे इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले की वीडियोस में क्वेश्चंस पूछे थे उस हिसाब से आपको जवाब भी देता जाऊंगा, और आज की वीडियो कोशिश करूंगा पिछली वाली से बेटर हो। साथ में ही आपको मिलवाता हूँ किसी से, ये है मेरी कजन अतुल्या। सो, उसने अभी अभी यहाँ पे एरोस्पेस में इंजीनियरिंग कम्प्लीट की है टोरंटो में। सो, उसके साथ कल मैंने बातचीत की, काफ़ी लंबी बात थी, और उस वीडियो को भी जो है एडिट कर रहे हैं अभी, और धीरे धीरे उसके पार्ट्स मैं YouTube पे पोस्ट करता रहूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप देख सकते हो। आज वैसे मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बरसात हो रही है, होपफुली अंदर का ही हम लोग टूर करेंगे, सो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होना चाहिए। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं ब्रैम्पटन में, और आपको ब्रैम्पटन में दिखाएंगे यहाँ पे एक 3 करोड़ के घर का टूर। अच्छा, इस घर का टूर लेने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। जस्ट किडिंग यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, लाइक कर दो यार। YouTube के एल्गोरिथम को बड़ा पसंद आता है ये बात की वही सब जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक का बटन दबा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ घर का फ्रंट यार्ड। नॉर्मली जो भी डिटैच घर होते हैं, खासकर थोड़े पुराने बने हुए, जैसे ये एक बंगलो है और करीबन 50 साल पुराना घर है ब्रैम्पटन में, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पुराने घर होते हैं उनका जो प्लॉट, जिसको लॉट साइज बोलते हैं यहाँ पे, वो काफ़ी बड़े होते हैं, और लॉट बड़े होने की वजह से घर के आगे और घर के पीछे बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं। तो ये घर के सामने का गार्डन। तो नॉर्मली हर डिटैच घर के साथ में आपको एक बड़ा सा ड्राइववे मिलता है और साथ में गराज होता है। इस घर में एक गराज है, मतलब आप एक गाड़ी गराज के अंदर रख सकते हो। ऑफ कोर्स आप बड़ा भी ले सकते हो, उसमें आप दो कार गराज, दो कार आराम से फिट हो जाएंगी उसमें आप। इसमें अच्छी बात यह है कि इसका जो ड्राइववे है वो बहुत ही लंबा है, मतलब 7-8 गाड़ियाँ आराम से इस ड्राइववे पर खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग कनाडा में नहीं है, बाहर हैं, बेसिकली उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे जो गार्बेज है ना, वो वीक में एक दिन कलेक्ट करते हैं, और पूरा हफ्ता आपको गार्बेज इन डब्बों में डाल के रखना पड़ता है। 3 डब्बे सिटी की तरफ से आपको मिलते हैं। एक होता है रिसाइकिल के लिए, जो नॉर्मली ब्लू कलर का होता है, या डब्बा उसका ढक्कन ब्लू कलर का होता है। फिर दूसरा होता है आपका जिसमें नॉर्मल गार्बेज जाता है, यानी हर तरह का गार्बेज, और फिर तीसरा ग्रीन बॉक्स होता है जिसमें ऑर्गेनिक जाता है। तो आपको ये अलग अलग करके गार्बेज जिसमें ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। वीक में एक दिन सुबह फिर आप जो कैंस हैं आपके उसको उठा के आप सड़क के किनारे रख देते हो, फिर गाड़ी आती है और उसको उठा के ले जाती है। ऑलराइट, सो अंदर जाने से पहले मैं आपको बैकयार्ड भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जो पहले वाले घर मैंने आपको दिखाए थे उसमें काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा था भाई बैकयार्ड मिस हो गया। वो मॉडल होम थे, बैकयार्ड वहाँ पे बहुत छोटे थे। इस घर के बैकयार्ड से आपको आइडिया मिलेगा कि बैकयार्ड जो है काफ़ी बड़े होते हैं कई घरों के। जितने पुराने घर होंगे उतने बैकयार्ड उनके बड़े होंगे। उसका मेन रीज़न क्या है कि जो पहले यहाँ घर बना करते थे उसमें मिनिमम एरिया जो आपको आउटडोर का रखना पड़ता वो ज़्यादा हुआ करता था। अब वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं स्पेस को, कंस्ट्रेंट को देखते हुए। सो ये है इस घर का बैकयार्ड। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, ये मेरे एक फ्रेंड का घर है और ये रेंटल घर है उसका, तो उसने रेंट पे चढ़ाया हुआ है और आज ये खाली हुआ है, नए टेनेंट आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से चलते हैं अंदर और फटाफट लेते हैं अंदर का टूर। और ये आपकी एंट्रेंस, एंटर करते ही सबसे पहले आ जाता है आपका इधर किचन। सो गैस लाइन तो है इस घर के अंदर, लेकिन वो गैस लाइन जो है वो हीटिंग के लिए यूज़ होती है। नॉर्मली आपको जो है बिजली वाला चूल्हा मिलेगा, लेकिन सब घरों में ऐसा नहीं होता, मतलब
आप चाहो तो आराम से गैस की लाइन भी ऊपर लेके आ सकते हो, गैस वाला भी आपको चूल्हा मिल जाएगा, बट ये पर्सनल चॉइस है आपकी। पहले ज्यादातर लोग ये यूज किया करते थे, लेकिन आजकल नए घरों में आपको गैस वाले भी मिल जाते हैं। तो इस घर की एक खास बात बताता हूँ, ये बंगलो है। लास्ट वाली वीडियोस में जो मैंने आपको घर दिखाए थे ना, वो टू स्टोरी हाउसेस थे। उसमें फ़र्क क्या होता है बंगलों में, कि जिस लेवल पे आपकी किचन होती है उसी लेवल पे आपके बेडरूम्स होते हैं। सो ये पुराना स्टाइल चलता था। अब और इस घर का क्या होता है कि घर के लॉट साइज भी बड़े होते हैं बंगलोज में, और आगे फ्रंट भी बहुत बड़ा होता है लॉट का। और जो आजकल नए घर बनते हैं उनमें क्या है कि वो बस माचिस की डिब्बी की तरह पतले बनाते जाते हैं और ऊंचे बनाते जाते हैं। तो जिस लेवल पे आपकी किचन होती है उस लेवल पे आपका लिविंग रूम और फैमिली रूम होगा, लेकिन जो बेडरूम्स होते हैं वो आपके ऊपर होते हैं। आजकल के जो नए घर बनते हैं, नए बंगलो नहीं चलते, आई डोंट नो, लोग प्रेफर भी नहीं करते फॉर व्हाटएवर रीज़न, या फिर यह कि बिल्डर उनको ऑप्शन भी नहीं देते। मतलब आप जो नए घर खरीदने जाओगे 90% सारे जो हैं टू स्टोरी हाउसेज ही होते हैं, बंगलो कम होते हैं। इस घर का जो टोटल एरिया है, यानी कि जो अगर मैं लॉट साइज का एरिया देखूं, वो है 8000 स्क्वायर फीट, और जो अंदर का जो बिल्ट एरिया है दैट इज 1500 यानी 1500 स्क्वायर फीट। सबसे पहले ये आपका लिविंग रूम। लिविंग रूम में किचन के साथ में आपकी है लॉन्ड्री, जो कि बहुत लोग प्रेफर करते हैं। नॉर्मली घरों में जो पुराने घर होते थे उनमें बेसमेंट में होती थी लॉन्ड्री। आपके लिए बेटर है कि अगर आपने जो है मेन फ्लोर पे आपकी लॉन्ड्री है, क्योंकि आप बेसमेंट में एक और लॉन्ड्री लगा सकते हो और बेसमेंट को आप सेपरेटली रेंट पे चढ़ा सकते हो लीगल करा के। मेरे फ्रेंड्स ने किया हुआ है इस घर में, कि जो मेन फ्लोर है ये मेन फ्लोर पे एक यूनिट है जो रेंट पे चढ़ता है, बेसमेंट में एक और यूनिट है वो रेंट पे चढ़ता है, और बेसमेंट अगले महीने खाली हो जाएगी मोस्ट लाइकली, तो मैं आपको दोबारा से आके बेसमेंट का भी एक टूर दूंगा। ये आ गया आपका मेन जो बेडरूम वाला एरिया है। तीन बेडरूम है इस घर के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मास्टर बेडरूम। ये हो गई आपकी मास्टर बेडरूम की क्लोसेट। फिर ये हो गया जी आपका रूम नंबर टू। ये भी डिसेंट साइज है इसका। दिस इज अ क्वीन साइज बेड। फिर ये आ गया आपका रूम नंबर थ्री। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस साइज रूम। ये आपका हो गया क्वीन साइज बेड अगेन। और फिर ये हो गया तीनों रूम, वन टू और थ्री, और बीच में है कॉमन बाथरूम। तो नॉर्मली आपको ये देखने में मिलेगा जितने भी थोड़े पुराने स्टाइल के घर बने होते हैं, बंगलोस बने होते हैं, वहाँ पे बाथरूम नॉर्मली कम होते हैं। तो नॉर्मली आपको एक बाथरूम मिलेगा जो तीनों रूम्स शेयर करेंगे। जो नए तरह के जो घर बनते हैं वहाँ पे मास्टर बेडरूम में एनसुइट जरूर होगा, उसको एनसुइट बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर ही आपके मास्टर बेडरूम के अंदर ही मास्टर बाथरूम बना होगा। लेकिन जो पुराने घर होते थे उनमें ऐसा नहीं होता था, तो ये कॉमन बाथरूम होगा। तो बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं कि भाई जो आप घर बता रहे हो उसका कनेडियन डॉलर में भी प्राइस बता दो। तो मेरे फ्रेंड ने ये घर लगभग 6.5 लाख डॉलर का लिया था, और एक साल हो गया एक्चुअली, इसको एक साल हो गया, और एक साल में प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ गए हैं। सो मैं आपको, पर मुझे भी पता नहीं कि इसका प्राइस कितना होगा, बट मैं जस्ट गेस मार के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 लाख डॉलर तो ऊपर हो गया होगा, जिस तरह से टोरंटो की मार्केट पिछले एक साल में इंक्रीज हुई है। सो बट मैं आपको जो 3 करोड़ प्राइस बता रहा हूँ जो उसने पे किए थे, लगभग 3 करोड़, अब हो सकता है ये एटलीस्ट 3.5 करोड़ का हो गया होगा ये वाला घर। यू नो, वेरी नाइस कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है टोरंटो एरिया में, सो टोरंटो एरिया में काफ़ी ज़्यादा अप्रेजल है। पिछले 4-5 साल में प्राइजेस जो हैं एटलीस्ट 50-70% इंक्रीज हुए हैं पिछले 5 साल में, विच आई डोंट थिंक कि दुनिया के किसी भी और देश में और शहर में इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी की जितनी टोरंटो एरिया में। और उसका मेन रीज़न यही है कि आपके जो नए इमिग्रेंट, हर साल लाखों नए इमिग्रेंट्स आते हैं, उसकी वजह से आपके जो घरों के प्राइजेस हैं वो बस बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का कोई नाम नहीं ले रहे। दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ इसका 3 करोड़ समथिंग,
उसके अंदर बेसमेंट भी इंक्लूडेड है। बेसमेंट में अभी आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि बेसमेंट में ऑलरेडी टेनेंट रहते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में भी टेनेंट रहते थे जिन्होंने अभी आज ही खाली किया है, सो घर अभी रेडी हो गया है नए टेनेंट के लिए, शाम को नए टेनेंट आ जाएंगे। नीचे वाला पोर्शन नेक्स्ट मंथ खाली होगा, मैं ट्राई करूंगा कि जब नीचे वाला पोर्शन खाली होता है आपको मैं दूं। सो ये है भाई लोग ब्रैम्पटन में एक 3 करोड़ की प्रॉपर्टी का टूर। दिस इज नॉट अ ब्रांड न्यू होम, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था वो ब्रांड न्यू घर थे। ये 50 साल पुराना घर है बट दिस हाउस इज इन अ वेरी गुड कंडीशन। जो मेरे फ्रेंड ने खरीदा था दिस वॉज अ गुड डील। नॉर्मली पुराने घर होते हैं उनमें बेनिफिट भी है लेने में और नुकसान भी होता है। नुकसान कई बार ये होता है कि यू नो पता नहीं जो पहले ओनर थे उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, क्या इश्यूज हो सकते हैं, सो आपको उसकी इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। और जो इंस्पेक्टर आया था इस घर को देखने के लिए उसने ये बोला था कि घर जो है वो टॉप नॉच कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसके अंदर मैं आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा कि जब आप आते हो नए इमिग्रेंट तो आपको कैसे अपना पहला घर खरीदना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है। सो वो वीडियो जल्दी आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप नए हो। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।